नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भोजपुरी सिनेमा के फेमस सिंगर नीलकमल सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाते रहते हैं। भोजपुरिया दर्शकों को नीलकमल सिंह के गाने बहुत ही पसंद आते हैं और यही कारण है कि नीलकमल सिंह के अधिकतर गाने वायरल हो जाते हैं। सिंगर का एक ऐसा ही गाना प्यार में बपुआ दीवार भैलवा रिलीज हुआ है जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कल यानी कि 9 जून को नीलकमल सिंह का नया भोजपुरी गाना प्यार में बपुआ दीवार भैलवा रिलीज हुआ है जो खूब धूम मचा रहा है। इस गाने ने पहले ही दिन लाखों व्यूज हासिल कर लिए हैं। खबर लिखे जाने तक गाने के 7 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हैं और ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। गाने की बात करें तो इसमें नीलकमल सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। उनकी गायकी के अलावा उनका स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। गाना भी मस्ती भरा है इसलिए लोग इसे देखकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। गाने में नीलकमल सिंह के साथ फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु नज़र आ रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। आपको बता दें कि नीलकमल सिंह के इस गाने को लिखा है दिवंगत भोजपुरी गीतकार श्याम देहाती ने जबकि म्यूजिक दिया है सत्येंद्र ने। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नीलकमल सिंह और फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बीच एक विवाद खड़ा हो गया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल नीलकमल सिंह ने अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए अक्षरा सिंह पर बेहद भद्दा गाना गाया था जिसमें उन्होंने प्राइवेट पार्ट का जिक्र किया था। गाने में नीलकमल सिंह ने पवन सिंह का साइड लेकर अक्षरा पर निशाना साधा था मगर अक्षरा सिंह ने नीलकमल सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीलकमल सिंह की इस गाने का जवाब देते हुए बहुत ही शालीनता से अपनी बात कही थी। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।